हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। 7 जून 2023 शाम 4 बजे जीके क्विज लेकर एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का हिमांशु मिश्र एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो यह है करेक्ट आंसर बी, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व। 2011-12 के बजट अनुमानों में रुपये का आवंटन की अवधि में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से वर्षा संचित क्षेत्रों 60,000 गांवों में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो करेक्ट आंसर है बी, 3 साल। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर हैं तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन उस साल में आया हुआ होगा, तो ये आपको 3 साल के लिए इसका करेक्ट आंसर है। ग्लास एक है, तो ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का परिचय दिया गया था 1909 में। करेक्ट आंसर है बी। जापान के मुख्य द्वीप होंशू को कुछ फीट आगे खिसकाने वाली शक्तिशाली भूकंप सह सुनामी ने भी पृथ्वी की धुरी को लगभग डगमगाने का कारण बना दिया है, तो ये करेक्ट आंसर है 4 इंच। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, 4 इंच। किन चार देशों को एशियाई बाघ कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है डी, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान, इनको एशियाई बाघ कहा जाता है। डायनासोर कितने सालों से विलुप्त हैं, तो करेक्ट आंसर है बी, 65 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 1937 में जिन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे कौन से थे, तो ये है बंगाल और पंजाब। विकिलीक्स विसल ब्लोवर वेबसाइट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका आधार है स्वीडन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसा लगा आपको 7 जून का छोटा सा सेशन, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर के सेशन के साथ और शाम 4 बजे जीके क्विज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब एंजॉय करें अपनी लाइफ, और आपका जल्दी से जल्दी किसी अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।